मैं पायलट राजीव आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए वाले वीडियो में। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक बहुत अच्छा मुंबई बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, और वो नोटिफिकेशन एक तरह से हमको पॉजिटिव वे में ले जाता है कि वैकेंसी इंक्रीज होने का आसार बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी ट्विटर कैंपेन्स टीचर्स लोग कर रहे हैं, बच्चे लोग कर रहे हैं ट्विटर कैंपेन, उसको देखते हुए रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। और मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था कि भाई देखो एलआरसा भी उसमें घुस रहा है, टीचर्स का तो मैंने बात नहीं किया था, एलआरसा का बात किया था जो उसने प्रॉपर लेटर लिखा बताया कि किस जोन में कितना कितना वैकेंसी खाली है, और टोटली 16,000 समथिंग वैकेंसी खाली है। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है, अच्छे से पढ़ के बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, तो वेट करना। तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की तरफ से ये लेटर है। हाँ, तो पहला लाइन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज पब्लिश्ड सीईएन, मतलब जो भी सीईएन 1/24 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट विथ 5696 वैकेंसी ऑल ओवर द इंडिया रेलवे, मतलब 5696 रेलवे बोर्ड ने इतना वैकेंसी निकाला ऑल ओवर असिस्टेंट लोको पायलट का। इन दिस रिगार्ड देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शन अमंग द एस्पिरेंट एंड सम कोचिंग स्टूडेंट रिगार्डिंग टू स्टेटस ऑफ वैकेंसी, मतलब वैकेंसी को लेकर स्टूडेंट्स में और कोचिंग वालों में मिसकॉन्सेप्शन, मतलब कि कोई गलतफहमी हो गया है वो इन्होंने लिखा है। इन दिस कनेक्शन द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु आर कमिंग अंडर द आरआरबी मुंबई जुरिस्डिक्शन आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग विद द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 29 तारीख को 15 बजे। तो अभी जो भी मुंबई डिवीजन के जुडिशियल में आता है उसके, मतलब उसमें जितना कोचिंग सेंटर है वो मुंबई के चेयरपर्सन से, मतलब मुंबई रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन से ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं 29 तारीख को। उसके लिए इन्होंने एक नंबर भी दिया है, टॉक टू चेयरमैन, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और शो देयर विलिंगनेस, मतलब अपना रीजन बताना है। उसके बाद अ लिंक विल बी शो ऑन द वेबसाइट ओनली एट 13 आवर, मतलब 1 बजे वेबसाइट पे, मुंबई की वेबसाइट पे वहां पे ये शो होगा लिंक, उससे ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। तो समझ लो, तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ रीजनिंग और जीके जीएस करना बहुत जरूरी है, खासकर रेलवे के सारे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मैथ यहाँ पे मिलेंगे, सेम रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिलेगा। 27,000 प्लस फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि यूज कर सकते हो, जो भी एग्जाम हो रेलवे का, ALP, RPF, कॉन्स्टेबल, JEE, सब में इसको यूज किया जा सकता है, और ये बुक्स मस्ट हैव मेरे हिसाब से हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग वाले में भी कवर किया गया है, तो ले सकते हो। और मेरे हिसाब से ऐसा और भी जोन करेगा, जैसे अभी मुंबई जोन कर रहा है, अभी पटना जोन भी करेगा, पटना में तो यार 38 सीट है, क्या ही बोलेंगे। तो अभी देखो धीरे धीरे जैसे मुंबई बोर्ड आ रहा है अब, तो पिछले बार जो कि ग्रुप डी के लिए हुआ था पूरा ऐसे रेलवे में आग लगा दिया गया था, और अभी 27 तारीख को भी बहुत ऐसे तगड़ा कैंपेन होने वाला, तो कैंपेन तो होना ही चाहिए, लेकिन भाई ऐसे जलाने वाला ना मत, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो सब लोग। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अब बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आया, बहुत लोगों को होप मिलेगा, इसलिए मैं एक वीडियो बना दिया। और जाते जाते एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसा वीक पड़ रहे हैं कि भाई वैकेंसी बहुत कम है, बहुत हाई जाएगा, तो मैंने अभी के कट ऑफ को लेकर और पिछले कट ऑफ को लेकर कुछ एक ऐसा वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हो जाके, ऐसे कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट कि कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ऑब्वियस बात है कि हम लोग टाइम वैकेंसी ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी बहुत कम है, तो इंक्रीज होने का हाई चांस है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि होपलेस होने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है, और जो भी 5696 वैकेंसी है वो लोग हम ही लोगों के बीच में से जाते हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप भी जा सकते हो। और एक चीज और बता दूं, वैकेंसी क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है अच्छी अच्छी बुक, किताबें, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि हाँ अब वैकेंसी बढ़ने वाला है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मैं जो जो बता रहा हूँ वो फॉलो करो, अगर कोई और अच्छा गाइडेंस दे रहा है उसको फॉलो करो, अपने दिमाग में कुछ आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कुछ तरीका वरीका। तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।